ओके तो आज आपका फाइनल ब्राइडल डे आ गया। ओके जी, तो आपको कैसा लुक चाहिए? अब आपके भरोसे हैं। अच्छा, कुछ आपका डिमांड नहीं है, नहीं मतलब आपको नेचुरल चाहिए क्या, ना। है ना? हाँ। चलो अपना चूड़ा दिखा दो, बहुत सुंदर लग रहा है। तो सुना हमारी ब्राइड्स हम पे कितना ट्रस्ट करती हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में मेरी रियल ब्राइडल का ब्राइडल मेकअप सिखाने वाली हूँ, एंड ये पहली बार होने वाला है मेरे यूट्यूब पे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फेस पे CTM किया है, देन यहाँ पे अभी हम लिप को मॉइस्चराइज़ कर रहे हैं। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में मेरा रियल वर्क भी शेयर करने वाली हूँ। सो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। सबसे पहले मैं ब्राइड या कोई भी मेकअप करती हूँ उसमें मैं पहले करती हूँ ब्रोज, क्योंकि मैं कम्फर्टेबल होती हूँ जब मैं पहले आई मेकअप करती हूँ, देन मैं बेस मेकअप करती हूँ। देन मैंने यहाँ पर ब्रोज को क्लीन किया है एंड आई प्राइमर भी अप्लाई कर दिया है मैंने, एंड पहले मैं करने वाली हूँ आई मेकअप। तो आज की जो ब्राइड है इनका बस इतना ही कहना था कि मुझे बिल्कुल सिंपल सटल लुक चाहिए, मुझे बिल्कुल भी हैवी नहीं चाहिए कुछ भी, बहुत ही नेचुरल होना चाहिए। तो वही हमने उसी चीज़ को फॉलो किया है। तो यहाँ पर ब्रोज डिफाइन हो गई है एंड देन यहाँ पर हमने आई लिड को अच्छे से हमने सेट कर दिया है एक यू नो पाउडर की हेल्प से। अब हम करते हैं आई मेकअप स्टार्ट। तो जैसे कि उन्होंने बोला, उन्हें बहुत ही सटल मेकअप रखना है, इसलिए मैंने बहुत ही ड्रामेटिक आई मेकअप नहीं क्रिएट किया है, एक सिंपल सा मैंने यू नो कट क्रीज आई मेकअप क्रिएट किया है, जिसके लिए मैंने ब्राउन फैमिली के शेडोज़ का यूज़ किया है। एंड अब मेरी गाइज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेकअप एंड हेयर की क्लास भी स्टार्ट हो रही है एंड वीडियो वर्क की। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो मेरा पार्लर का एड्रेस है वहाँ पर भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको यही सारी पूरी डिटेल में नॉलेज देने वाली हूँ। तो यहाँ पर अब हमने एक सिंपल सा कट क्रीज बना करके आउटर वी को अच्छे से हमने यू नो स्मच कर दिया है एंड देन शिमर एंड ग्लिटर अप्लाई कर दिया है ड्रेस के अकॉर्डिंग। और ये जो क्लाइंट थे इनके मुझे रिव्यूज़ बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव मिले थे। इनका कहना था कि विदाई के तक इनका मेकअप एज इट इज़ था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत वाइट है या बहुत रेड है, यू नो चीक्स एंड ऑल बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लग रहा था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो अगर आपकी क्लाइंट का ये डिमांड है ना कि उन्हें बहुत नेचुरल चाहिए, तो आपको कुछ बहुत बातों का ध्यान देना चाहिए। इसी बीच में हमारी ब्राइड को प्यास भी लग गई है, तो वो भी पानी पी रहे हैं, एंड ब्राइट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है भाई। लाइनर एप्लीकेशन हो गया है, जेल लाइनर मैंने यूज़ किया है एंड देन उसको सेट कर रही हूँ मैं एक यू नो ब्लैक कलर की हेल्प से। ये एक ट्रिक आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि यहाँ पर आप जब भी जेल लाइनर लगाइए तो उसे सेट करिए डेफिनेटली एक शेडो की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक शेडो की हेल्प से उसको अच्छे से सेट कर दिया है। देन यहाँ पे मैंने ब्रोज को अच्छे से क्लीन किया। अब हम करेंगे बेस मेकअप। तो बेस मेकअप में सबसे पहले मैं अप्लीकेशन करूँगी प्राइमर का, एंड स्किन के अकॉर्डिंग आपको प्राइमर अप्लाई करना पड़ता है, वेदर के अकॉर्डिंग भी प्राइमर अप्लाई करना पड़ता है। तो मैंने इनकी जो स्किन थी उसके अकॉर्डिंग इनको प्राइमर दिया है एंड देन यहाँ पे मैंने ऑयल भी यूज़ किया है। एक्चुअली ये एक ऑयल प्राइमर है एंड जो कि ऑयल का भी काम करता है और प्राइमर का भी काम करता है। इसको एप्लीकेशन करने के बाद मैं थोड़ा सा मसाज दे देती हूँ जिससे कि क्लाइंट मेरा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। एंड देन अब यहाँ पे मैं करेक्शन कर रही हूँ, करेक्शन करने के बाद मैं एप्लीकेशन करूँगी फाउंडेशन का, ठीक है? तो करेक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइज़र क्या होता है, इन सब की डिटेल जो है वो आपको मेरी क्लास में मिलेगी। तो प्लीज़ आप चाहे तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बन रहा है मेरा सीक्रेट बेस, जो कि यू नो हर एक का एक ना एक सीक्रेट बेस होता ही है। तो मैं वही बना रही हूँ एंड देन उसको पूरे फेस पे अप्लाई करी हूँ। किस तरह से फाउंडेशन अप्लीकेशन करना है वो आप देख सकते हैं। डैबिंग मोशन में आपको ब्रश के सबसे पहले पूरे आधे फेस पर अप्लीकेशन करना है एंड उसको फिर ब्लेंड करना है। तो आप कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप भी ब्राइडल कर रहे हैं तो आप एले गर्ल का फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, मिलानी का यूज़ कर सकते हैं अफोर्डेबल में अगर आप जाना चाहते हैं। बाकी हाई एंड में तो बहुत अच्छे अच्छे और बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो अभी बस मैं इस बेस मेकअप को अच्छे से सेट कर दूँगी अपने फाउंडेशन को एंड देन उसके बाद में हम करेंगे हाफ़ फेस को भी कवर। तो पहले मैं हाफ़ फेस आप लोगों को दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं हाफ़ फेस कवर करके फिर आप लोगों से मिलूँगी, ठीक है? सो गाइज हाफ फेस कवर हो गया। अब जिस तरह से आपने हाफ फेस को कवर किया उसी तरह आपको नेक एंड ईयर को भी कवर करना है।
तो ये जो मेरी ब्राइड थी, इन्होंने लिया था एयरब्रश मेकअप, जिसका मैं क्लिप शूट करना भूल गई थी। तो इसके बाद फिर हमने एयरब्रश की भी एक लेयरिंग दी थी इनको, एंड या सो बस फाउंडेशन एप्लीकेशन हो गई, अच्छे से ब्लेंडिंग कर दी। ये जो मिनट आपको सिर्फ जो ये 7 मिनट का वीडियो दिख रहा है ना गाइज, ये 4 घंटे की मेहनत है। तो इतना आसान नहीं होता है मेकअप करना कि इतनी जल्दी जल्दी फटाफट हो जाए, बहुत टाइम लगता है। कह रहे हैं फेस हाइलाइटिंग, एंड अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए देन प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ में मेरी आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ब्राइडल बुकिंग्स लेना चाहते हैं फॉर आउटडोर स्टेशंस ऑल्सो, देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑल्सो। हम यहाँ पे बेस मेकअप को मैं सेट करी हूँ लूज़ पाउडर की हेल्प से, सो आप कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं लूज़ पाउडर ही यूज़ कर रही हूँ। और अंडर आई एरिया को भी मैंने हल्का सा बेक किया है, थोड़ा सा लूज़ पाउडर लगा करके छोड़ दिया है, क्योंकि इसके बाद में मैं करूँगी लोअर लैश, एंड लोअर लैश करते टाइम कभी कभी शेडो गिर जाता है, तो उससे बचने के लिए हम ये कर रहे हैं। देन अभी यहाँ पे काजल एप्लीकेशन हो रहा है, एंड उसके बाद में हम करेंगे लोअर लैश को स्मोक आउट। तो अगर आपकी क्लाइंट ऐसी हैं जो कि बहुत ही नेचुरल मेकअप चाहती हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक आईलाइनर मत दीजिए, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक कलर्स मत यूज़ करिए, सिंपल रखिए, सटल रखिए, तो आपकी क्लाइंट डेफिनेटली खुश होगी। क्योंकि आजकल की क्लाइंट्स की जो ज़्यादातर डिमांड होती है वो ये होती है कि उन्हें बिल्कुल नेचुरल मेकअप चाहिए होता है, बिल्कुल नेचुरल स्किन जैसा, तो हमें वैसा ही करके देना है क्योंकि वो हमारे क्लाइंट्स हैं ऑब्वियसली। एंड देन यहाँ पर हम अपर वाटर लाइन को भी कवर कर रहे हैं, देन यहाँ पे करें हम ब्रॉन्जिंग, एंड देन हम एप्लीकेशन करेंगे ब्लश ऑन की। बहुत ही लिटिल बिट करने वाली हूँ मैं, क्योंकि मेरी क्लाइंट की वही डिमांड थी जो मैं बार बार बोल रही हूँ। बहुत ही बिल्कुल हल्का सा ही करूँगी मैं, और मुझे एक्चुअली मेरा जो मेकअप का सिग्नेचर है वो यही है कि मैं बहुत ही नेचुरल मेकअप करती हूँ। एक्चुअली मेरे हाथ से ज़्यादा चीज़ें होती ही नहीं हैं। सो अब यहाँ लिपस्टिक एप्लीकेशन कर रही हैं कर रही हूँ मैं, और मेरे एरिया में ज़्यादातर ब्राइड जो है वो डार्क लिपस्टिक्स ही पसंद करती हैं, लाइट या न्यूड पे वो नहीं जाती। तो मैंने उन्हीं के डिमांड के अकॉर्डिंग ही किया है, ड्रेस के साथ में मरून कलर के साथ में। सो ये रहा उनका फुल लुक, अभी मैं उनके रिव्यू भी आपको दिखाऊंगी। ये रही मेरी पूरी ब्राइड, एंड कैसी लग रही है मेरी ये ब्राइड प्लीज़ कमेंट डाउन करिएगा। एंड ये है उनका फुल लुक। ये एक्चुअली ये लहंगा एंड ज्वेलरी भी अवेलेबल है रेंट पे फॉर सचिप्रा ब्राइडल मेकओवर। सब सुन लो आप उनके रिव्यू। आंखें बंद करो, इसने मुझे बहुत परेशान किया है। अच्छा लगा मेकअप, चलो बाय।